हेलो दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। और उसके बाद फिर हमने आपको ये भी बताया था कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे। ऑनलाइन टेस्ट जैसे एग्ज़ाम जो होता है गाड़ी चलाने का, ऑनलाइन रियल टेस्ट, उसको भी हमने बताया था आपको कि आप कैसे रियल टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह से हमने बताया था, अगर आप टेस्ट देने में फेल हो जाते हैं, एक मरतबा फेल होते हैं, दो मरतबा फेल होते हैं, तीन मरतबा फेल होते हैं, तो पहली मरतबा फेल होने पर आप दोबारा रिटेस्ट कैसे दे सकते हैं, और इसी तरह अगर आप दो मरतबा फेल होते हैं तो दूसरी मरतबा भी रिटेस्ट कैसे दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो अगर एक मरतबा फेल होते हैं ऑनलाइन रियल टेस्ट में, तो उसके लिए आपको रिटेस्ट फी 50 रुपये, 500 रुपीज़ पे करके आपको दोबारा जो है रियल टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी मरतबा फेल होते हैं तो फिर आपको दोबारा भी रिटेस्ट फीस आप जो है जमा करके दोबारा पे करके आप जो है अपना आईएल टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जो है तीसरी मरतबा फेल हो जाते हैं, और फेल नहीं, जैसे हमने किया था पहले मरतबा में फेल हुआ, दूसरी मरतबा में फेल हुआ, लेकिन तीसरी मरतबा जो है आईएल टेस्ट के लिए जैसे हमने रिटेस्ट फीस जो है अप्लाई किया ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन करने के बाद कुछ काम में बिजी होने की वजह से मैं जो है उसको रिटेस्ट फीस पे तो कर दिया लेकिन रियल टेस्ट नहीं दे पाया। तो इसके लिए दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने सुना था या हमने देखा उसमें रूल और नियम में कि अब जैसे अगर आप दूसरी मरतबा फेल हुए और तीसरी मरतबा आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, अगर एग्ज़ाम आपने जो है एक स्लॉट बुक कर लिया, स्लॉट बुक करने के बाद अगर आप जो है ऐसे बुक करते हैं आरटीओ ऑफिस विजिट करने के लिए, फिर भी आपका उसमें एक स्लॉट बुक होता है, और आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें भी एक स्लॉट आपको दिया जाता है जो एक टाइम होता है दोस्तों। तो आपने अगर ऑनलाइन जो है घर बैठे एग्ज़ाम देने के लिए तीसरी मरतबा आपने टेस्ट फीस पे किया और टेस्ट नहीं दिया, तो फिर उसका जो स्लॉट जो बुक होता है वो हमने जो है खाली कर दिया था, हमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी होने की वजह से, शादी वगैरह था घर पे, इस वजह से मैं नहीं दे पाया। तो अब मेरे साथ क्या होने वाला है अभी मुझे खुद भी नहीं पता है, और लगभग तकरीबन 1 से 1.5-2 महीने के बाद, अभी देखिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 1 से 1.5-2 महीने के बाद फिर से जो है रिटेस्ट वाला फीस हमारे जो मोबाइल पर ऑप्शन चालू कर दे, लेकिन अभी तक हमारे मोबाइल पर ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। अब मैंने जो अप्लाई किया था आज से तकरीबन 3 महीना पहले, सॉरी दोस्तों 3 साल नहीं, 3 महीना पहले हमने अप्लाई किया था, और 3 महीना पहले अप्लाई करने के बाद आज हमारा जो है देखिए हमने अक्टूबर में ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नहीं बल्कि सितंबर में ही, 17 सितंबर को हमने अप्लाई किया था, और आज जो है आपका देखिए 15 नवंबर का दिन आ गया, यानी कि 2 महीना हमारा पार कर चुका है। अब हम 1 महीने का और वेट करेंगे आपको बताने के लिए, अगर मैं चाहूँ तो आरटीओ ऑफिस विजिट करके अपना लाइसेंस बनवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आपको नॉलेज देना है कि अगर जो है आप 2-3 मरतबा फेल हो जाते हैं या 3 मरतबा आप नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो इस वजह से दोस्तों, अगर आप भी 1 मरतबा एग्ज़ाम दे चुके हैं और 2 मरतबा भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3 मरतबा भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, 3 मरतबा फेल हो चुके हैं, या आपने एग्ज़ाम का सिलेक्ट लेकर के नहीं दोबारा पे किया, तो अब आपके साथ क्या होगा, इस तरह से जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस तरह के मैं सारे वीडियोज़ को ला के लाते रहता हूँ। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनवानी है, जैसे आपके माइंड में कोई सवाल या क्वेश्चन है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं, और उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियोस बना करके दे दूंगा। ये भी वीडियोस एक सब्सक्राइबर के कहने पर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको बनानी तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय। एक बात और बता दो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इसको वेट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों 3 मरतबा दे सकते हैं रियल टेस्ट, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अगर आपको OTP प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वो OTP प्रॉब्लम जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाइड होता है फिर आपका जो OTP आ जाता है, सिक्योरिटी कोड जिसको कहते हैं OTP, वो आपका आ जाता है, उसके बाद से जो आप रियल टेस्ट दे सकते हैं। रियल टेस्ट में आप जब दें तो इसका एक और बात याद रखें, जैसे अगर आपके बगल में कोई बोल रहा है हल्का फुल्का, जो मुझे फेल किया गया उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके बगल में कोई भी घर पे, तो पहले बात आप एग्ज़ाम देना, अगर आप घर पे दे रहे हैं तो सबको बता देंगे, मतलब कोई बोले ना, या रात में दें जाके एकदम सुनसान हो, अगर आपके बगल में किसी से बोलने की आवाज़ आती है तो RTO ऑफिस ने इसका भी किया, मतलब उसका भी जो है आपका अगर पास तो हो जाते हैं फिर भी आपका लर्निंग लाइसेंस शो नहीं होगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं दोस्तों। तो इस वजह से आप अकेले में दें, और मैं कहता हूँ कि आप एक मरतबा सारे टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको पढ़ लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि उसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब कौन कौन सा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऊपर दे देना हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तब तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम बात करें पैसे का, तो पैसे कितने रुपये लगते हैं, तो अगर आप शुरू में अप्लाई करते हैं तो
315 रुपीज़ यानी कि 350 रुपये आपका ऑनलाइन फीस होता है अगर आप जो है टू व्हीलर और फोर व्हीलर यानी दो पहिया और चार पहिया का बनवाते हैं तो। और रिटेस्ट फीस जो होता है वो 15 रुपीज़ होता है दोस्तों। जब जब आप जो है फेल होते हैं तब तब आपको उसमें देना पड़ता है। अगर बात करें हमारी तो मैं जो है 500 रुपीज़ पूरा जो है पे कर चुका हूँ क्योंकि 3 बताया लेटेस्ट और 315 रुपीज़ ऐसा। तो इससे दोस्तों अगर आपका भी होता है तो लेटेस्ट 15 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे कि 50 ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो है 315 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको भी वहाँ से जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो दोस्तों बाय।